चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। तो दुल्हन है? यस सर, मैं ही बैठी हूँ। बैठी हो? या रैली कर रही थी क्या? हाँ, मतलब वो प्रदर्शन करने गई थी? हाँ जी, हर जगह जाते हैं सर, हर जगह जाते हैं। हमने ना हरियाणा का कोई जिला नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने प्रदर्शन नहीं किया। कहाँ से हो आप? मैं सर सापला से। सापला कौन सा डिस्ट्रिक्ट हुआ? ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट, रोहतक से ये NH9 पे जाते जा सापला दिन। सर छोटू राम का, छोटू राम की जन्मस्थली। आप कहाँ से हो? मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। लल्लन टॉप की टीम चुनाव यात्रा पर है और चुनाव यात्रा में हम चुनाव को समझ रहे थे, हरियाणा के रास्ते में थे। मेरे मेल बॉक्स में बम्बार्डिंग होती है, इतने सारे मेल आते हैं इम्पोर्टेंट मेल करके, और ये ढेर सारे युवा जो हैं इनके मेल आते हैं कि हमारा मुद्दा कोई सुन नहीं रहा, आप सुनो। क्योंकि आप जानते हैं लल्लन टॉप युवाओं का जो मुद्दा होता है वो लल्लन टॉप के लिए कोर है। कई सारे ज़िलों से, कई सारे जगहों से मैसेज आए। मैं अभिनव पांडे अभी अपने साथी मोहन के साथ हिसार में हूँ। ये सारे युवा हैं यहाँ पे, कौन से पार्क में हैं ये, कौन सा पार्क? मान पार्क, क्रांति मान पार्क। और तुम तो एकदम क्रांति हो। हाँ जी, हाँ जी सर। क्या नाम तुम्हारा? सर मेरा नाम निशा खत्री। तो ये प्रोटेस्ट क्यों कर रही थी? सर ये हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं, हमने इतनी मेहनत की, इतने घंटे पढ़ाई की है, तो हमने किस लिए की? अपने नौकरी के लिए की है, रोजगार के लिए की है, तो उसके लिए तो सर हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो इसके लिए प्रोटेस्ट करें कि हमें हमारी नौकरी मिल जाए। सर ये हमें हर जगह की है, भिवानी, जींद, करनाल, तीन जगह में बेरोजगारों की बरात निकाली। बेरोजगारों की बरात इतनी क्यों निकालनी पड़ रही है यहाँ पे? सर क्योंकि सरकार ने बिल्कुल ना अपने कान बंद करके बैठी हुई, सुन ही नहीं रही सरकार हमारी मांग, हमारा रिजल्ट नहीं दे। कौन सी भर्ती से हो आप? सर मैं 56-57 से। क्या है ये 56-57, जरा बाहर के लोगों को समझाइए। सर 56-57 वे सुनहरे सपने जो हरियाणा सरकार ने दिखा तो दे लेकिन अभी पूरे नहीं कर रही है। 56 में वो ऑफिसर पोस्ट है जिनके लिए हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की, ये पोस्ट सर 16-17 साल में अभी निकली। एक्साइज, टैक्सेशन, पंचायत ऑफिसर, फूड इंस्पेक्टर, फीमेल सुपरवाइजर, और 57 में है क्लर्क। ये पोस्ट कम से कम 17-18 साल में अब निकली होगी। सरकार ने इनका एग्ज़ाम तो ले लिया, कम से कम एग्ज़ाम 10 महीने हो गए ले, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकाला। वो सारी भर्ती अभी कोर्ट में है और उस पे सर आर्ग्यू भी वो जो कोर्ट में क्यों, क्या पेपर लीक हो गए थे? सर पेपर लीक नहीं हुआ था, इन्होंने क्या किया सर मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। 2020 में एक पॉलिसी लेके आए CAT कॉमन एलिजिबल टेस्ट, तो इन्होंने क्या किया कि हम पेपर को इजी बनाने के लिए ना, तो ये कर रहे CAT ताकि बच्चा एक प्री देगा और मेंस देगा ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो। तो इसमें इन्होंने ना 63 ग्रुप बना दिए। 63 ग्रुप में से इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमारे ग्रुप का पेपर लिया 56-57 जिसमें कॉमन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, 57 जिसमें 12th पास, और जैसे कि मैंने बताया 56 में सारी अफसर वाली पोस्ट और 57 में क्लर्क पोस्ट है जो काफ़ी अच्छी पोस्ट, हर कोई बच्चा जाता है कि इन पोस्ट में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो 4 अगस्त को जो सिंगल बैच है ना, उन्होंने हमारे उस पर ना जो पेपर पर स्टे कर दिया, सिंगल बेंच में हार गई सरकार। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सिंगल बेंच, हाँ जी सिंगल बेंच, तो इन्होंने क्या किया उसके बाद ये डबल बेंच में गए। इन्होंने रात को कोर्ट खुलवाया सर 10 बजे के करीब, 12-1 बजे तक हम बच्चे जाग रहे थे कि कल 5 तारीख है, 5 अगस्त की हमारा पेपर होगा या नहीं होगा, इस दुविधा में बैठे थे। तो उसने परमिशन दे दी डबल बेंच ने, तो इन्होंने रात को नोटिस डाला 12-1 बजे के आसपास कि जो आपका 5 का पेपर वो तो 7 अगस्त को होगा और जो 6 अगस्त को पेपर है वो 6 को ही होगा। तो इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया, उसमें भी इन्होंने क्या किया, जो एडमिट कार्ड था ना कुछ बच्चों का तो रात को रिलीज कर दिया, और कुछ बच्चे जो कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे वे बच्चे स्पेशल रात को HSC ऑफिस के पास गए पंचकुला, वहाँ पे जाके उन्होंने एडमिट कार्ड निकाला है। चलो पेपर हो गया, फिर क्या हुआ सर 41 क्वेश्चन रिपीट हो गए, जो 56-57 ग्रुप है ना, जो 57 ग्रुप के पेपर में जो 41 क्वेश्चन थे वे रिपीट हो गए। उसके बाद बच्चों ने कर दिया केस, क्योंकि सर वो कहते हैं ना कि भाई जिसका ना हमारे खुद जो मुख्यमंत्री है पूर्व CM मनोहर खट्टर और नायब सैनी बोलते कि हरियाणा में भर्ती रोको गैंग है, उनको भी पता है वे कई बार अपने इंटरव्यू में बोलते भर्ती रोको गैंग, तो उन्होंने केस कर दिए। तो वो केस ना सर आज ये मई का महीना चल रहा है, तो ये क्या करते हैं हर तारीख पे जाते कोर्ट में, कभी तो इनके पास 25 रुपये नहीं होते थे, कभी हमारे एजी साहब बीमार हो जाते थे, कभी इनका मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, कभी इनके मतलब इनके पास ऑलरेडी बहाने रहते थे। एक तो 1 और 1.5 महीने की तारीख लगती थी, हम बच्चे एक एक दिन वेट करते थे, अभी 15 दिन गए हैं, अभी 20 दिन गए हैं, उसके बावजूद इनके सिर्फ 5 मिनट लगती थी हमारी तैयारी नहीं, आप अगली डेट दे दो। उसके बावजूद जैसे हमने पंचकुला भी जैसे हम लोग यहाँ से जाते थे कोर्ट में,
हमारे बहुत सारे बहन भाई जाते थे स्पेशल कोर्ट में कि सरकार कुछ भी कर ले। हम सर बच्चों ने, हम 56-57 बच्चों ने ना, जो 56-57 ग्रुप के बच्चों ने मिल के इतना महंगा वकील किया है, थर्ड पार्टी वकील, ताकि सरकार की हेल्प हो जाए कि सरकार हमारी भर्ती कर दे। फिर भी सरकार की कानों पे ना जू भी नहीं रहेंगी, उसके बावजूद भी सरकार ने वो नहीं करवाई। जो हमने प्रोटेस्ट किए थे 15 दिसंबर को पंचकुला में किया, जो हमारे कुछ भाई थे और कुछ बहन थे, 100 दिन पंचकुला में बैठे रहे, प्रोटेस्ट किया उन्होंने 100 दिन पंचकुला में। बहुत बड़ी बात होती, बहुत से भाई और बहन ने तो ना वहाँ पे बैठ के दिवाली मनाई, खुद हमारे जो अमर भाई दिवाली भी उनके वहीं पर मनी। उसका असर हुआ था कि 19 दिसंबर को जो यादर ग्रुप है ना, 61 ग्रुप, उनकी परमिशन मिल गई, तो उसमें से कुछ जो टेक्निकल ग्रुप है, जैसे स्टाफ नर्स होगा, फायर ऑपरेटर होगा, उनके एग्जाम हो गए। तो उसके बाद सर हमने हिसार में भी किया था प्रोटेस्ट, यहीं क्रांतिमान पार्क में हम इकट्ठे हुए थे, डीसी ऑफिस में हमने ज्ञापन दिया था। उस प्रोटेस्ट के उससे सरकार ने उनके जो टेक्निकल बच्चे ना, उनकी भर्ती कंप्लीट करवा ली। उसके बाद भी जैसे हमने बताया कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो हमने भिवानी भी, जींद भी, करनाल भी, बेरो वकील जो है आप लोगों वहाँ के पैसे आप लोग क्या चंदे से कटे? हाँ सर, हमने सारे बच्चों ने मिल के पैसे इकट्ठे किए थे, वो भी सरकार की मदद के लिए। सरकार का काम है कि सरकार हमारी भर्ती पूरी करवाए। हमने 5-6 साल तैयारी करी है, मेहनत की है, और सरकार ने वैकेंसी निकाली थी, सरकार ने 5 नंबर दिए थे, किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि हमें 5 नंबर चाहिए। सरकार की पॉलिसी थी और सरकार उस अपनी पॉलिसी को डिफाइन नहीं कर रही अच्छे से। मतलब एक ये मुद्दा है 56-57 की भर्ती का, आप लोगों का क्या मुद्दा है? हमारा सर TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अध्यापक भर्ती का मुद्दा है। सर पहली बात तो ये बता दूं, हरियाणा में जो अध्यापक भर्ती रही है ना, वो बड़ी संघर्षशील रही है। आप इससे अनुमान लगा लो कि आज तक हरियाणा में जितनी भी टीचिंग की भर्तियाँ निकली है ना, उनको भर्ती करने में सरकार ने कम से कम 9 से 10 साल लिए हैं। 10 साल में टीचर भर्ती हो? बिल्कुल, 2015 की ज्वाइनिंग अभी कराई गई है 2023-24 में। और यहाँ तो टीचर के साथ ऐसा भी होता है कि वो लगा देते हैं और क्या पता 10-15 साल बाद उसको हटा भी देते हैं कि वो वैलिड ही नहीं थी वो भर्ती, ऐसा भी बहुत हुआ। और इसी डर से हम अपने रोड पे निकले, अभी इन्होंने वैकेंसी निकाली TGT अध्यापक भर्ती की 2022 में, उस नोटिफिकेशन को ये कैंसिल कर देते हैं। हमें लगा कि भाई वैसे भी वो निकाली उन्होंने, देखो 2014-15 के बाद 2022 में निकाली, फिर उस नोटिफिकेशन को ये कैंसिल कर देते हैं। हमें लगा कि ये नहीं निकालेंगे, लेकिन इन्होंने फरवरी 2023 में उसको दोबारा निकाल दिया, अप्रैल में उसका एग्ज़ाम ले लिया, और उसके बाद इन्होंने DV ले लिया उसका मई जून में। मतलब मैंने अपने इतिहास में, जो पुराने अपने बड़े भाइयों से भी और मैंने खुद भी देखा, हरियाणा के इतिहास में पहली बार मैंने ऐसे देखा था कि TGT अध्यापक भर्ती साफ और सुथरी भर्ती है। और हमने जब चेयरमैन सर से बात की, सर हमारा रिजल्ट और ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, तो उन्होंने बताया कि 15 सितंबर तक आपको क्लियर किया जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आपकी भर्ती में। 15 सितंबर 2023 को हमारा रिजल्ट नहीं आता है। हम उसके बाद फिर चेयरमैन सर से मिलते हैं, तो वो बताते हैं कि दीपावली पे अक्टूबर में आपका मुंह मीठा किया जाएगा और आपका यानी रिजल्ट और ज्वाइनिंग दी जाएगी, आप वाले में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा सर चलो ठीक है, हमने यकीन कर लिया, हमारी टीम मिलती जाती थी लेकिन तब भी नहीं आया। फिर हमारी टीम जाती है चेयरमैन से मिलने कि सर अब तो अक्टूबर भी चला गया है, आप कुछ करो, नवंबर में मिले। दिसंबर में एक आश्वासन मिला फर्स्ट वीक में कि 31 दिसंबर 2023 हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमारा संकल्प नहीं विकल्प है, आपकी भर्ती पूरी होगी। वो भी नहीं होती है, हम उसी दिन जाते हैं, अगले ही दिन बिल्कुल हमें सर एक एक घंटे का भी आश्वासन मिला है कि आपको नव वर्ष मनाया जाएगा। हम वहाँ धरने पे बैठे हैं HSSC के सामने, हम बात करने जाते हैं तो वो बताते हैं कि 1.5 घंटे में आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। वो डेट भी गया, अभी आया रिजल्ट? अभी तक कुछ भी नहीं आया सर। फिर फरवरी में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जो खट्टर साहब हैं वो बयान देते हैं कि 29 फरवरी को 29,000 वैकेंसी हम दे देंगे, जिसके अंदर इनकी CET की भी थी, और साफ क्लियर वो बोलते हैं हमारी 7575 वैकेंसी हैं, जिसमें 7471 एक है और जिसका एग्ज़ाम बाद में होता है, 104 वैकेंसी पंजाबी भाषा की हैं। तो वो कहते हैं कि 29 फरवरी को 29,000 वैकेंसी देंगे और जिसमें 6,500 से 7,500 वैकेंसी TGT अध्यापक की है, जो हम सबसे पहले पूरी करेंगे, बिल्कुल उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद इनकी एक रिजर्व जो सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स है ना, जो आर्थिक उसके मार्क्स देते हैं, 5 नंबर एक्स्ट्रा देते हैं वो, कि भाई जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको 5 नंबर देंगे ताकि उसके घर में भी नौकरी हो जाए। हाँ, वो एक ऐसी पॉलिसी है आज तक किसी को भी समझ नहीं आई, ना वो सरकार को समझ में आई है, ना वो HSSC को समझ में आई, और हमें तो आज तक समझ में नहीं आई। वो एक CET की पॉलिसी बनाते हैं जिसमें ये कहते हैं कि टीचिंग भर्ती अलग रहेगी,
जो क्योंकि टीजीटी के लिए एक एचटेट क्वालिफाई जो होता है हरियाणा टीचर एलिजिबल टेस्ट, वो अलग से जैसे सीटेट होता है ऐसे ही पास करना होता, हमने उसको पास कर लिया, इसलिए ये सीटी की तरफ पर ही नहीं देंगे, लेकिन मेंस हम जरूर देंगे। अब उस मेंस में ये बताया जाता है कि सी ग्रुप की भर्तियों में 2.5% अलग से नंबर दिए जाएंगे सोशो इकोनॉमिक्स के, और हमारी जो टीजीटी की भर्ती है ना वो सी ग्रुप के अंदर आती है। अब उसमें 2.5% दे दिया अब, और नोटिफिकेशन में इन्होंने दे दिया कि 5% हम सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स देंगे। अब पता नहीं जो इन्होंने गजट ये जो राजपत्र निकाला था वो सही है या नोटिफिकेशन सही है, मतलब इनके नोटिफिकेशन और पॉलिसी ना तो आज तक ये यूथ समझ पाया, खासकर तो टीजीटी के कैंडिडेट कोई भी नहीं समझ पाया, और ना ही एचएसएससी समझ पाई है, और शायद मेरे को नहीं लगता कि ये कोर्ट में अभी उसका केस पेंडिंग है, अलग अलग उसमें क्लोजेज बने हुए, मेरे को नहीं लगता कि सरकार माननीय हाईकोर्ट को भी अच्छे से समझा चुके हैं। बिल्कुल इतनी परेशानी में हम धरने दे चुके हैं, रैली निकाल चुके हैं, और हरियाणा के दक्षिणी दौर से जिसमें मैं खुद शामिल था, हरियाणा के दक्षिणी दौर मेवात की साइड से लेके और पंचकुला एचएसएससी के सामने हम पैदल यात्रा निकाल चुके हैं, जिसमें हमें 20 दिन लगे थे पैदल यात्रा। बिल्कुल प्रोटेस्ट किया आप लोग, बिल्कुल पैदल की हमारी भर्ती किसी तरह से आप पूरी कर दो सर। आप इनके साथ हो क्या? मैं इनकी मम्मी हूं सर। आप इनके साथ यहाँ पे आई हो? तो ये क्या प्रोटेस्ट के लिए आई थी क्या? नहीं थी, जो आपका चैनल आ रहा था ना कि हमारी आवाज, क्योंकि सर एक बात बता देती हूँ मैं, हमने हर जिले के एमपी एमएलए उनको ज्ञापन दिया, हर जिले में हमने प्रोटेस्ट किया, हर डीसी को हमने ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार ने हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। सर मैं आप लोग हाँ बताओ। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कल हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री कल आए थे सोनीपत, तो कल भी उन्होंने जैसे एक बहुत अच्छी बात कहते, मोदी की गारंटी है तो सब कुछ पॉसिबल है, मोदी साहब ने बोला था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ पे है वो रोजगार? दूसरी बात, 22 जनवरी 2015 को पानीपत में इतनी बड़ी रैली निकाली थी, बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया, वो भी जुमला ही प्रतीत होया। सर एक बात बता दो, जब हमने इतनी पढ़ाई कर ली, 15-16 घंटे हमने पढ़ाई की, 5-6 साल हमें मेहनत करते हुए, उसके बावजूद ही हमारी मेहनत का फल नहीं दे रहे, हम जो हमारी बेटियां ना उनको ना उनकी ऐसी दुर्गति कर दी है बीजेपी सरकार ने, ऐसी रोडों पर घूम रही है, काम ने ऐसे सपने देखे, देखी बीजेपी सरकार ने दिखाए थे सपने कि हम पढ़ लिख के नौकरी करेंगे, ये हर जगह बोलते कि हम महिलाओं का उत्थान करेंगे, महिलाओं के ये लिए ये करेंगे, महिलाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ये जो अगर ग्राउंड लेवल पे चेक करोगे ना तो ये कुछ भी नहीं कर रहे, इतनी पढ़ाई के बावजूद ऐसे हम रोडों पे धक्के खा रहे, तो उस पढ़ाई का फायदा क्या हुआ? सरकार यही तो कहती कि हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। सर ये बात मैं आपकी सही मानती हूँ कि सबको सरकारी रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, एक बात बताओ, हमारे कहने से तो ये वैकेंसी निकालते नहीं, ये अपने बेनिफिट के लिए वैकेंसी निकालते हैं। अब ये देखो हर बार हमारे सीएम साहब क्या बोलते हैं, हम ग्रुप सी की भर्ती पूरी करेंगे ताकि ग्रुप सी का बच्चा ग्रुप डी में ना जाए, फिर भी इन्होंने क्या किया, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ग्रुप डी की रिजल्ट निकाल दिया, जो 56-57 के जो टॉपर बच्चे वे सारे ग्रुप डी में चले गए, तो इससे किसको फायदा हो रहा है? सर एक बच्चा चाहे वो टीजीटी का हो या 56, आप ये कह रहे हो कि जो जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई की उसके बावजूद उन्हें ग्रुप डी की नौकरी करनी पड़ रही है, ये हर बार ऐसे ही करते। 2019 में भी इन्होंने यही जुमला दिया था, ग्रुप डी की वैकेंसी पहले करी थी, उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टेबल की उसके बाद एसआई की, कोई तो ऊपर से नीचे चलता और ये हर बार नीचे से ऊपर चलते, इनको सिर्फ अपना फायदा होता है। एक और बात बता दो, ये बोलते 15-16 साल में और वैकेंसी, कैनाल पटवारी की वैकेंसी हुई थी 1998-99 में सर, उसके बाद एक शताब्दी, इस शताब्दी में तो कैनाल पटवारी की अभी वैकेंसी आ रही सीटी में, अभी तक नहीं की इन्होंने, एक शताब्दी से तो वैकेंसी पूरी नहीं हुई। क्या करते हैं हर बार वैकेंसी, कभी रीएडवर्टाइज करते थे, कभी उसको कैंसिल कर देते हैं, कभी मतलब रीएडवर्टाइज करके कैंसिल करके भर्तियों को 2024 तक खींच लिया, और अब भी इनके कानों पर। ये चुनाव में मुद्दा है सर, चुनाव में पता है इनके खुद एमपी एमएलए या जो हमारे पूर्व सीएम साहब है एक ही बात बोलते हैं रैली, बिना पर्ची बिना खर्ची, साथ में ये नहीं बताते जीरो भर्ती, भर्ती तो इन्होंने की नहीं, क्या बोलते हैं कि लोकसभा का मुद्दा है तो वोट तो हमें जो प्रधानमंत्री मोदी उनके नाम पे मिल जाएगी, क्यों रोजगार का मुद्दा नहीं इनका? रोजगार का मुद्दा तो विधानसभा में, क्यों विधानसभा में इनको सरकार बना ली इसलिए मुद्दा है? मुद्दा तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा है, कहते दूध देगा खाना नंबर वन हरियाणा, वही हरियाणा को ये बेरोजगारी में नंबर वन लिया है। आप चेक कर सकते हैं इंडिया में ना 36% अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में ही है। आप कहाँ से हो? झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आए सर। झज्जर से? सिर्फ आप लोग इसलिए आए कि अपनी बात रखनी है? यस सर। आप ये कमाल देखिए कि कल हमारे उस पर खूब सारे मेल आए, और वो मेल आप लोगों को कहाँ से मिला था मेल आईडी? ऐसे सोशल साइट चैनल से सर्च किया सर आपका। फिर आप लोग सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा एक्चुअली सर एक ग्रुप है,
जहाँ पे जैसे कोई भी प्रोटेस्ट करना होता है, कोई बारात निकालनी होती है, या इनके जैसे आप लोगों से को हमें अप्रोच करना था। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि रवीश कुमार सर ने भी हमारा ट्वीट किया था बारात को लेकर। तो सर हमारा ग्रुप है जो कोशिशें करता रहता है कि सरकार को हम कैसे भी जगाएं और हमारी भर्ती कंप्लीट कराने में जो भी लोग हमारे सहायक हो सकते हैं, जैसे मीडिया है जिसको चौथा स्तंभ भी कहा जाता है देश का, तो उनकी हेल्प लेने के लिए हम एक ग्रुप बना रखा है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि जैसे आप लोगों को अप्रोच किया था, आप लोगों ने हमारी हेल्प की और आज हम यहाँ। हमारा तो काम है भाई हर पक्ष का सुनना, और जब इतने ज़्यादा पैमाने पर अगर कोई मेल आते हैं तो हमें लगता है कि भाई आप कुछ ज़रूरी बात होगी और आपका पक्ष है उसको हमें रखना चाहिए। तो आप भी, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, आप भी इसी 55-56 वाले में से हो, 56-57 में से? एक्चुअली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं रोहतक से हूँ, और अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैंने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर करण है और मैं मास्टर डिग्री कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, मैं MCA क्वालिफाइड हूँ। और ये जो 56-57 है ये पेपर मैंने भी दे रखा है। और कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ कि हरियाणा में क्या होता है ना कि दो बोर्ड हैं, एक तो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो ग्रुप सी और डी की भर्तियाँ करता है, और ग्रुप ए और बी के लिए इन्होंने बना रखा है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन आप मुझे है ना एक भी ऐसी भर्ती निकाल के दिखा दीजिए इन दोनों बोर्ड्स की जिन पे कोर्ट केस ना हो, और कोर्ट केस भी आपको एक दो नहीं मिलेगा। आप ये मान के चलिए कि जो हमारा CET का जो है ये इन्होंने लेके आए हैं, ये CET पे 18 केस थे, आप ये काउंटिंग करना भूल जाएंगे कि ये केस है किस किस चीज़ के ऊपर। तो आप ये देखिए कि ये दोनों जो बोर्ड है जिनको सरकारी भर्ती करनी होती है वो इतने इनकम्पिटेंट हैं कि उनको यही नहीं पता कि रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी लगानी है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन रिजल्ट निकाल रही है उनके सारी भर्तियों पे, अभी कोर्ट केस चल रहा है, इंतरिम ऑर्डर, एक इंतरिम ऑर्डर पता नहीं क्या निकाल लिया है कि अरे माननीय हाई कोर्ट से इंतरिम ऑर्डर मिलता है और ये भर्तियां करवाते जाते लास्ट में पता लगता है कि यार ये तो भर्ती गलत हो गई, इसको कैंसिल करो, फिर बच्चे प्रताड़ित होते हैं। तो सर मैं खुद बता देता हूँ आपको, PGT कंप्यूटर साइंस की बताता हूँ मैं, 56-57 की तो आप पहले ही सुन चुके हो। PGT कंप्यूटर साइंस है, ये कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया के लिए ऑब्वियसली बात है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज देनी होगी। और हरियाणा में क्या है ना बड़ी कमाल की बात है कि आप राजस्थान में जाओगे या दिल्ली में जाओगे आपको कंप्यूटर के टीचर मिलते हैं, TGT मिल जाएंगे, PGT मिल जाएंगे, लेकिन हरियाणा में क्या है ना ये पक्की भर्ती ही नहीं करते। इन्होंने एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड बनाया हुआ है, इनके जो पक्की भर्तियां करने वाले बोर्ड हैं ये इतने असक्षम हैं कि ये भर्तियां नहीं कर पाते। कौशल क्या है ये सर? हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, ये ठेके पे भर्ती करते हैं हमारी सरकार, हमारी सरकार संविदा पे। जी सर, ये संविदा की भर्ती होती है, वही चीज है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे। जी सर, तो इसमें क्या होता है ना कि ये सरकारी कार्यालयों में ठेके पे भर्ती, संविदा जो आप कह रहे हो ये यूपी शायद राजस्थान में संविदा बोलते हैं इनको, तो ये हमारे यहाँ ठेके पे बोलते हैं। तो ये ठेके पे तो भर्ती बहुत जोरदार तरीके से करते हैं, ना इस पे कभी केस होता है ना कोई इसकी दिक्कतें होती है, लेकिन जो पक्की भर्ती करने की बात आती है ना तो ये सर बुरी तरह से विफल हो जाते हैं। मैं आपको कंप्यूटर साइंस की बता रहा था, इनका हरियाणा के अंदर एक भी पक्का कंप्यूटर टीचर नहीं है, कमाल की बात है। ये जो बच्चे कंप्यूटर साइंस सीख रहे हैं और कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो अगर आप देखोगे तो एक भी कंप्यूटर का टीचर है ही नहीं पक्का। PGT कंप्यूटर साइंस की इन्होंने 2019 में भर्तियां निकाली थी 1750, और उसका आज तक भी कोर्ट खेल रहे हैं, उनको यही नहीं पता लग रहा कि एलिजिबिलिटी क्या है उसकी, उसमें BTech अलाउड है या नहीं है। और ग्रुप 56-57 की बात करें, ये बच्चे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ना ये सर क्रीम है हरियाणा के, ये कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, ये मान के चलो ये वो बच्चे हैं जो 80-85 नंबर स्कोर करेंगे ना उनको इसमें जॉब मिलेगी। इसमें ग्राम सचिव हो गया, पटवारी हो गया, असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर हो गया, फूड इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो गया, मतलब इतने बड़े बड़े नाम जो ये बच्चे एक्चुअल में तैयारी करते हैं। लेकिन हमारी हरियाणा सरकार क्या करती है कि सिर्फ ग्रुप डी भर्ती करती है। लेकिन ये आप जैसे आप कह रहे हो कि सरकार ने भर्तियों में लटकाई जा रही है, अक्सर हम जिस राज्य में जाते हैं युवाओं की, छात्रों की सरकार से शिकायत रहती है और बहुत वाजिब शिकायत रहती है। लेकिन आप जैसे ये सरकार दावा करती है कि भाई हम तो पहले तो पर्ची निकल जाती थी उससे नौकरियां मिल जाती थी, हम फेयर नौकरी दे रहे हैं। मैं अखबार में विज्ञापन देख रहा था तो उसमें भी छपा हुआ था कि कितने सारे लोगों को रोजगार दिए, तो उस पर आप लोग का सर आप एक बात बताओ, ये बताते हैं कि बिना पर्ची, बिना मतलब ना पर्ची और बिना खर्ची भर्ती करते हैं। देखो एक बात बताऊंगा मैं, आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, जब आप कोई चीज़ करोगे ही नहीं है, मतलब आपके पास एक पर्स है और उसके अंदर आपके पास पैसे ही नहीं हैं और आप ये कह दो कि मैं तो करोड़ों उड़ाता हूँ, जब आपके पास है ही नहीं तो आप भाई हम कैसे बता सकते हैं उड़ाते हैं कि नहीं बताते। जब ये भर्तियाँ ही नहीं करते हैं, जब इन्होंने भर्ती नहीं करी ना, तो ये कुछ भी कहो। 1,30,000 कुछ का ढांकड़ा सर, इनकी सच्चाई देखो मैं बताता हूँ, इन्होंने अभी रिसेंटली 1,30,000 जो ये गिनाते हैं उनमें से 11,000 एक एग्जांपल आपको लेके बताते हैं। इन्होंने 11,000 रिजल्ट बच्चों का रिजल्ट निकाला ग्रुप डी पोस्ट के लिए, जिसमें से 6,500 बच्चों ने ज्वाइनिंग किया, बाकियों ने तो ज्वाइनिंग ही नहीं की, ठीक है। और 6,500 की सच्चाई मैं आपको बताऊँ, उनमें से 4,000-5,000 बच्चे वो हैं जो 56-57 के ग्रुप के हैं और
साथ ही साथ TGT के बच्चे हैं जो जिस दिन ये भर्ती क्लियर हो गई वो उस दिन उन वैकेंसीज को छोड़ के चले जाएंगे। तो इनका डाटा कितना हो गया 11,000 का, लेकिन एक्चुअली में वहाँ 1100 भी नहीं है, ये सच्चाई है इनकी। आप किसके लिए? मैं मेरी मिसेज के लिए। आप मिसेज के लिए संघर्ष कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से हो आप? मैं भिवानी से जी। भिवानी महेंद्रगढ़। लोकसभा का नाम तो यही है ना, हम तो ऐसे ही जानते हैं। हाँ जी सर, चुनाव कवर करने निकले हुए हैं हम तो। लेकिन तो आप जो है उनके लिए आप प्रोटेस्ट करते हैं? हाँ जी। और आप क्या करते हो? मेरा खुद का काम है सर, बिजनेस है खुद का। अच्छा। हाँ जी। और वो वोटी मतलब फिलहाल तो तैयारी कर रहे हैं, वैसे डी ग्रुप में लगे हैं अभी फिलहाल। डी ग्रुप में लगे टीचर वाली भर्ती के लिए आप प्रोटेस्ट कर? हाँ जी, हाँ जी सर। 16 साल पहले TGT की संस्कृत की भर्ती निकली थी, मतलब 16 साल के बाद अभी निकली है। और ये मतलब 2016 के बाद 4 बार निकल चुकी है, 4 बार कैंसिल कर चुके हैं। ये फिर 2022 में फिर 23 में उन्होंने फिर भर्ती निकाली, उसके अंदर ये जो टीचर आई भर्ती आई वो भी जोड़ दी सर साथ में। सर अभी तक क्या है, मैडम की एज जो 44 एज होगी है, मतलब अभी तक उन्होंने PhD क्लियर हैं, नेट क्लियर हैं, MA हैं और TGT के तो उन्होंने 8-6 सब्जेक्ट से कर रखा है उन्होंने। अभी तक उन समझो लास्ट में उन्होंने जाके डी ग्रुप में ज्वाइन किया है, क्या करें। PhD करने के बाद डी ग्रुप ज्वाइन? डॉक्टर निर्मल लिखते जी, अब वो डॉक्टर निर्मल की बजाय निर्मल लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, क्या करें जी। MA करके डबल नेट है, PhD कर रखे सर। सर ये हाल सभी का है, लगभग ये हाल हर स्टूडेंट का है। पहले 2018 में भी जो इन्होंने वैकेंसीज निकाली, अरे PhD है कोई, BTech है कोई, मतलब 8वीं पास। डी ग्रुप में क्या नौकरियां मिलती हैं? चपड़ासी पानी पे आना है और क्या करना है, ना झाड़ू काटनी है, पानी पे आना है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं ना, बिना खर्ची बिना पर्ची, इन्होंने आउटसोर्सिंग पर सारे पर्ची से लगा रखे हैं। नगर निगम में चल जाओ, CEM का कोटा होता है, हर डिपार्टमेंट में दो दो बंदे लगा रखे हैं 80-80 हज़ार रुपये तनख्वाह पे। एक बंदा पार्षद था उसको अब लगा रखे हैं 70,000 में इसी नगर निगम में, सबसे बड़े घोटाले हैं। लेकिन लोग क्या है, डिनुआ बिना खर्ची बिना पर्ची मिलगी, वह बात है कि कास्टलिज्म इतना हो रहा है कि वो लुगाई कह कर नानूला खसम मर जाओ, सोतन को जाटों को सबक सिखाने के लिए लोग वो हो रहे हैं, मतलब और कुछ भी नहीं है। सबसे भ्रष्ट सरकार है इसमें, मुख्यमंत्री CM मुख्य मनोहर लाल था ना, उसकी भी नहीं चलती। 12/3/2023 को यहाँ आता GGU में, उसके आगे मैंने 9 विभागों की करप्शन की शिकायतें रखी थी, बोला ठीक है करेंगे कार्रवाई। उसके बाद कंटिन्यू में गया, धरने दे लिए, ज्ञापन दे लिए, कुछ नहीं हुआ। इनके बस की बात ही होनी, असल में क्या है कि BJP नेताओं को काम करना नहीं आता, सच्चाई ये है, अधिकारियों की चलन लग रही है। और जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में है शायद ही किसी में हो। सरकार तो 2 बार रिपीट हुई और 10 की 10 सीटें जीती। आपको बता रहा हूँ ना, सोतन को मतलब सबक मिलना चाहिए लोगों को। मुद्दे यहाँ है, अपना मिल गेट का एरिया है, पूरा दिन सीवरेज का भरा रहता है 5 सालों से। अब भी कह रहे हैं हम मोदी को देंगे, अब उनका मूर्ख होगा क्या करें, लोगों को अपनी समस्याओं। क्या नाम है? मैं अनिल मेला जी। तो ये हिसार से ही हूँ, मैं आपको देख के आया हूँ मैं तो। अच्छा, आप हिसार से? मैं तो हिसार से हूँ सर, मैं आपको देख के आऊँ। सुनो सर मेरी, जैसे कल मोदी जी आए थे यहाँ, रात को पुलिस ने हमारे को उठा लिया था। आपको? हाँ जी। और पूरे मतलब कल जब तक मोदी जी नहीं गए, जब तक मेरे को मैं पुलिस थाने में रखा, तीन चार लड़के और उठा रखे थे। मतलब मोदी जी जाने के बाद उन्होंने बोले जी आप जमानती लेके आओ भाई, गारंटर जब छोड़ेंगे। मैं तो मना कर दिया जी, आप चाहे मेरे को इलेक्शन के बाद छोड़ देना, मैं कोई गारंटर नहीं लेके आऊँगा। नाम है सर आपका? सुरेश गोयल था जी। आप लोग कहाँ से हो? सर मैं हिसार से हूँ, वैसे पर मैं 45 किलोमीटर दूर से आया हूँ। आपके चैनल की आवाज़ सुन के हमने सोचा कि हम आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताएं कि हरियाणा का युवा कैसे परेशान हो रहा है। आपने अभी बोला कि सरकार दावे कर रही है हमने 1,20,000 नौकरियाँ दे दी, कहाँ है वो नौकरियाँ? कौशल रोजगार में लगा रखा है बच्चों को। अब ये बताओ, जैसे ही पक्की भर्तियाँ करेंगे ये कौशल रोजगार वाले चले जाएंगे? कई बच्चों ने तो 3-3 लाख रुपये दिए उसके लिए। तो मुद्दा बताओ कहाँ है, सिर्फ ये आंकड़े हैं, पॉलिटिकल आंकड़े जो लोगों को बताए जाते हैं और दिखाया जाता है कि हमने नौकरियां दे दी। 56 स्थान के कैंडिडेट और TGT वाले इतनी मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रखा है, हमें 9 महीने हो गए एग्जाम दिए, हमें ये तक नहीं पता हमारा एग्जाम हुआ कैसा था। आप खुद सोचो, बिल्कुल हमें कैसे पता लगेगा, हमारा मानसिक परेशानी इतनी हो गई, हमें ये नहीं पता सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आज हम रोड पर घूम रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये काम थोड़ी था हमारा, हमारा काम था पढ़ना लिखना और एग्जाम दे के आना। पर सरकार क्या करिए, कोर्ट खेल रही है हमारे साथ, कभी तारीख पर नहीं जाती, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। और अभी नेक्स्ट डेट, मेरा नाम मनोज बिस्ला है सर। मनोज, ये जो आप टीचर की भर्ती देख रहे हो? नहीं सर, मैं 56 स्थान का कैंडिडेट। 56 स्थान। तो जैसे सरकार ये कहती है कि भाई
सबको जो है भर्ती के पीछे नहीं भागना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपना एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए या फिर अपने बिजनेस में भी ध्यान देना चाहिए, उस तरह के रोजगार पे भी काम करना चाहिए। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? सर, हम मिडिल क्लास से हैं सर। हमारे माँ बाप का एक ही सपना होता है, बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं और ताकि बच्चा आगे जाके गवर्नमेंट जॉब कर लग जाए। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता या हम लोन ले लें, वो मतलब आपको पता ही होगा सर कितना कंपटीशन, छोटा सा हरियाणा है सर और बेरोजगारी में नंबर वन है सर। आप देखो तो क्या क्या बिजनेस करें सर। हमने सोचा अच्छे से पढ़ेंगे, कॉलेज गए, कॉलेज लाइफ अच्छी, मतलब BSc की हमने, ठीक है BEd भी की मैंने, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है तैयारी कर लेते हैं हरियाणा, बिना जीरो पर्ची के साथ मतलब बिना खर्ची के नौकरी दे रही है, हमने सोचा चलो तैयारी कर देते हैं। पर हमने पहले होता था क्या ऐसे पर्ची के? सर इन्होंने फर्स्ट टाइम जब 2019 से पहले इन्होंने भर्ती की थी, हरियाणा पुलिस की थी, कॉन्स्टेबल की थी और डी ग्रुप की थी, उन्होंने इसमें मतलब बहुत कम हुआ था, उसमें पर्ची खर्ची नहीं चली उसमें सर। ठीक है, इसको सोच के हम युवा इस फैसला लिया कि ताकि हमें भी आगे मौका मिले, हम इस सरकार को लेके आए। पर उसमें भी इन्होंने कुछ गलत पॉलिसी अपनाई थी, जैसे उसमें पहले डी उसका हरियाणा पुलिस SI का पेपर हुआ, फिर कॉन्स्टेबल का पेपर हुआ और फिर ग्रुप डी का पेपर हुआ। इन्होंने पहले डी ग्रुप का रिजल्ट दिया और फिर कॉन्स्टेबल का रिजल्ट दिया और फिर SI का रिजल्ट दिया। होना चाहिए था ऐसा, पहले SI का आना था फिर कॉन्स्टेबल का आना, जिसको ताकि जो बच्चे एलिजिबल हैं वो अपनी जगह जाके सेट हो जाएं। पर इन्होंने आप कहाँ से हो? हिसार से हूँ सर। हिसार से हो? TGT स्कूल। आप TGT? हाँ TGT। कितने दिन से आपकी भर्ती नहीं हुई? भर्ती सर 1 साल से ज़्यादा हो गया सर। उससे आखिरी बार टीचरों की भर्ती कब हुई थी? 2015 में सर, TGT। 2015 में उसका टीचर भर्ती नहीं हुई है? JVT से 2011 में भर्ती हुई थी, 10-12 साल हो गए उसको सर। लेवल 2 लेवल 3 पे 43,500 टीचर कम है इस प्रदेश में, और ये कहते हैं कि प्राइवेट में पढ़ा लो। प्राइवेट में कैसे पढ़ाएं? प्राइवेट वाले सैलरी देते हैं सर 14,000 रुपये, और अगर एक सेल की सैलरी बनाए ना तो 1,68,000 बनती है, और उसी में अगर के मेरे जैसा मैरिड मेरे हैं सेम ऐसे दो बच्चे अगर स्कूल में जाए ना तो उसी स्कूल में 1,20,000 रुपये प्राइवेट स्कूल में हमें वापस उसकी फीस देनी पड़ जाती है। तो बताओ क्या ही पूरे एक साल में बचे कैसे? आप चलो सरकारी नहीं दे सकते, आपका नहीं है आपके पास इतना कि नहीं दे सकते, तो कम से कम प्राइवेट में ऐसे लागू करो कि भाई SAT क्वालिफाई हो और अच्छा एग्जाम दे के प्राइवेट स्कूल उनको हायर करे और कम से कम 50-60,000 रुपये सैलरी हो, तो क्यों बच्चा सरकारी के पीछे भागेगा? हालातों को देख के जाता है, आप हालात वहाँ के बढ़िया करते तो हम उस तरफ भी जाएंगे। ये क्या है? ये जी CM हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ट्वीट है, जिसको 6 जनवरी 2023 को किया गया था। ये ट्वीट इसलिए किया गया था, उस टाइम में बेरोजगारों ने बारात निकाली थी रोहतक में, उसके बाद CM साहब ने ट्वीट किया था कि युवा किसी के बहकावे में मत आए, भर्तियाँ होंगी 50,000 भर्तियाँ 2023 में तक का वादा था। आप देख सकते हो ये कटिंग अखबार की, लगातार दिसंबर 2023 तक 50,000 नौकरियाँ दे देंगे, ठीक है, लेकिन 60,000 दे देंगे। उसके बाद CM साहब ने बोला ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी की भर्ती करेंगे, 31 दिसंबर का जो वादा था वो ये कंप्लीट नहीं कर पाए। उसके बाद CM साहब ने बोला अभी ग्रुप डी से पहले मैं ग्रुप सी की भर्ती करूंगा, वो भी काम उल्टा किया, ग्रुप डी की भर्ती पहले की। उसके बाद CM साहब ने बोला था 29 फरवरी को 29,000 नौकरियां दे दी जाएंगी हरियाणा में, लेकिन आप किस भर्ती से? मैं ग्रुप 56 का कैंडिडेट हूँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा अमरदांगी नाम जी। आप लोग बताओ, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? सर मैं TGT की कैंडिडेट हूँ, हमारा मुद्दा यही है रोज़गार से सरकार ने हमें दूर रख रखा है, हमने इतनी पढ़ाई की, उसके बाद हमने टेस्ट क्लियर किए, हमने स्क्रीनिंग दिया और हमारा क्लियर है। हाँ जी सर, अब हमने जो स्क्रीनिंग दिया था उसकी DV तक हो चुकी है हमारे। हम ये कहेंगे कि कोई भी भर्ती ऐसी नहीं होती है जिसमें किसी भी तरीके का केस ना हो, केस हर भर्ती पे होते हैं, लेकिन वो सरकार के हाथ में है कि वो उसको कब तक सॉर्ट आउट करती है। मेन मुद्दा ये है कि अगर सरकार चाहे तो भर्तियाँ जितनी जल्दी हों उतनी जल्दी करवा सकती हैं, लेकिन वही चीज़ है कि जब मन में खोट होता है तो कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती। तो हमारा सरकार से अभी भी हम तो यही निवेदन करते हैं कि अभी 25 जून हम ये मान के चलते हैं सरकार के लिए बहुत टाइम है अभी तक भर्तियां पूरी करने के लिए। तो अब तो 25 को वोटिंग होने वाली है हरियाणा में? हाँ जी सर, 25 मई, ठीक है। तो मतलब ये है कि 25 मई तक भी सरकार के पास बहुत टाइम है, अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन बात वही है कि अगर वो चाहे तो करेंगे, रिजल्ट नहीं आता तो वही है कि हम रोड पे घूम रहे हैं। फिर हमारे जो TGT कैंडिडेट के साथी थे, उन्होंने कोसली से पंचकुला तक पैदल यात्रा की थी इतनी गर्मी के अंदर, वो एक प्रोटेस्ट था ताकि सरकार उनके ऊपर ध्यान दे कि किसी ना किसी तरीके से हमारी भर्ती जो है। आप कहाँ से हो? मैं हिसार से ही हूँ सर। एक बात बता देती हूँ, कोर्ट केस का तो ऐसा बेरोजगारी की एक वजह हो रहा है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें रिटायर कर्मचारी 10-20 ना लगे हो, अगर उनको हटा के युवा को लिया जाए तो बेरोजगारी आदि तो वैसे ही कम हो जाएगी। आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो भाई साहब? भिवानी से। हाँ जी। अच्छा, तो क्या है आप लोग, आप भी इनके साथ हो क्या? मैं 56 कैंडिडेट हूँ, एयरफोर्स से रिटायर हूँ, एक सर्विसमैन हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे को तो कोई उम्मीद लगती नहीं,
बाकी बच्चे कर रहे हैं। ये बताओ आप लोग, सब लोग ये ठीक है प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपके मैं बात, हाँ कोर्ट केस की बात, अगर सरकारी मंशा की बात है तो जो हमारे करंट सीएम है नायब सैनी एमएलए का इलेक्शन लड़े करनाल से, उन पे भी केस हुआ था, तो वो ना एक दिन में 5 घंटे लगातार आर्ग्यू चला कोर्ट में, एक ही दिन में इन्होंने सारे वो केस भी रफा दफा करवा दिया, फैसला भी ले लिया। जब इन्होंने एक दिन में वो इलेक्शन लड़वाने के लिए हमारे एमएलए का, हमारे नायब सैनिक का, वो एक दिन में रफा दफा कर दिया, तो हमारे 10 महीने से उन्होंने जानबूझ के भर्ती अटका रखी, अगर ये चाहे तो भर्ती पूरी कर सकते, लेकिन इनकी मंशा ही नहीं है भर्ती पूरी करने की। आप ये बताओ मुझे, जैसे आप लोग सब लोग ये प्रोटेस्ट करते रहते हो, बीच बीच में अपनी मांग उठाते रहते हो, सरकार तक अपनी बात भी पहुंचाते होगे, नेताओं तक, प्रतिनिधियों तक, अधिकारियों तक भी रखते होगे, ये रोजगार क्या चुनाव में इस बार मुद्दा है हरियाणा में लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल सर, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, तकरीबन 20-25 लाख बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है सरकार ने। एक बात आप मुझे बताइए, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो ये रोजगार वाले सब आते हैं कि भाई बेरोजगारी मुद्दा है, यूपी में, राजस्थान में, राजस्थान में भी तो सरकार ही बदल गई, तो हर जगह इस तरह के मुद्दे होते हैं, लेकिन फिर बताते हैं यार रोजगार की बात तो सब करते हैं, वोटिंग जब होती है तो सब जातियों में बंट के वोट करते हैं, क्या इसमें सच्चाई है? जी कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन युवा की जो स्टूडेंट है उनकी कोई जाति नहीं होती, वो तो रोजगार के नाम पर वोट करेगा। हमारे साथ ये जितने भी साथी खड़े हैं यहाँ पे, ये अलग अलग कास्ट के, लेकिन ये वोट रोजगार के मुद्दे पर करेंगे हरियाणा में। सर 2019 में जो हमने सर, आप लोगों को क्या लगता है कौन रोजगार दे सकता है? सर जो सरकार हमें रोजगार देगी सीधी सी बात है वो सरकारी आएगी, अगर सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही ना तो ना तो हम वोट देते और नाम दे देते, सीधी बात क्या बोलूं। तो ये जैसे ये इनका मुद्दा, जैसे ये बेटी है आपकी, ये इनका रोजगार मुद्दा है, तो आपको इनका मुद्दा आपको प्रभावित करता है क्या? बहुत ज्यादा प्रभावित करता है सर, देखो अमी के साथ आती हूँ मैं अपना घर का काम छोड़ के, और वही बात अगर के भी मना करते हैं फिर भी हम यूँ सोचते हैं भाई बेटी को रोज़गार मिले, 5-6 साल से मेहनत कर रही है, हमारा मतलब फाइनेंस नहीं, वो कंडीशन भी ठीक नहीं है, फिर भी हम बेटियां ने पढ़ाते हैं, तो सरकार कुछ तो आप बहुत अच्छा काम कर रही है सर, किसान है मेरे पापा, 4 बाण भाई, इतने महंगाई के ज़माने में किसान और ज़मीन भी नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है, एक बाप अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता, वो कर्जा तक उठा तक पढ़ाता कि हमारा बच्चा एक दिन बड़ा हो के कामयाब होगा, रोजगार लेगा, हमारे लिए कुछ करेगा, इसलिए पढ़ाता सर। हरियाणा वो स्टेट है जहाँ पे मिडिल क्लास परिवार रहता है, और मिडिल क्लास परिवार के बच्चे ना स्टार्टिंग से उनको एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि हमारा जो बच्चा पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब करेगा, और गवर्नमेंट जॉब का मेन मुद्दा हमेशा साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अपर क्लास है अभी लोअर क्लास, लेकिन जहाँ पे मिडिल क्लास परिवार होगा वहाँ पे ये मेन मुद्दा रहेगा ही सर। और युवाओं को ना सिर्फ रोजगार से मतलब है, पार्टी तो सर आती जाती रहेगी, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी तो अपने फायदे के लिए देखती है सब कुछ, कोई भी पार्टी हो सर। तो हर पार्टियाँ वादा करती हैं घोषणा पत्र में लेकर आती हैं, बताती हैं कि भाई इतने इतने वोट, आप कहाँ से होता हूँ? झज्जर से। झज्जर से आप के साथ? अच्छा, ये आप बेटी के साथ आए हो, तो बेटी के साथ आप प्रोटेस्ट में भी जाते हो? हाँ जी जाते हैं, हाँ। और भी साथ आते हैं हमारे। क्या मांगे आप? ये इनका रिजल्ट देना चाहिए इनको। क्या नाम है? जगबीर सिंह। ठीक है, आप लोग बच्चों के साथ, उसके पेरेंट्स भी परेशान है, और किसी के साथ लड़के बाहर निकलती है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं, और अब की बार अगर सरकार ने रोजगार नहीं दिया तो सभी युवा मिलकर वोट की चोट देंगे, कई बच्चे तो सुसाइड भी कर चुके हैं, लड़कियां सुसाइड कर चुकी हैं, रोजगार नहीं मिल रहा उनको, सामाजिक रूप से बोलते हैं पढ़ ली लिख ली के तुमने न्याय कर लिया पढ़ लिख के, इससे बढ़िया ना ही पढ़ते तो ये ठीक रहता, मजदूरी कर कर रुपये तो कमा लेते। एक 10वीं पढ़ी और छोरी सर रोजगार को मारे, हम तो बेरोजगार बैठे, मैंने एमए कर रखी घर पे बेरोजगार, एक 10वीं पढ़ी लड़की ना आज सिलाई मशीन करके वो कम से कम दिन के 1000 रुपये कमा रही, तो हमसे ज़्यादा तो वही सही है, बोलते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी भी कि इतना पढ़ लिख के कर लिया तेरे घर ने दो बैठी आई मारी छोरी, तो सर वो गलत धारणा भी तो क्रिएट हो रही है, अगर एक बेटी पढ़ के आगे जाएगी तो 2 परिवारों का नाम रोशन करती सर, एक परिवार ना चलता 2 परिवार चलाती है बेटियां दो आगे बढ़ के। सर जितने भी ये बेरोजगार हैं 50-60 हज़ार हैं, इनके साथ कम से कम 50-50-60-60 वोटे हैं साथ में, अब इसको गुणा करके देखो तो कितनी वोट की चोट पड़ेगी, अगर सरकार हमारे साथ नहीं है तो ये वोट की चोट सब पे पड़ेगी। सर मेरे परिवार में 279 वोट है। क्या कह रहे हैं? ये सीएम साहब का बयान था सर कि 29 फरवरी को 29,000 नौकरियां और वो भी विधानसभा जैसे मंत्री, तो सीएम बदल ही गए, तो ये सीएम है, पार्टी भी वही है, इनो के कहने से वो सीएम बने हैं सब कुछ, ये मतलब सीएम पद पे रहे उस पद की तो मर्यादा है सर, ये देखो बोलते हैं मैंने अपना ही चेला बनाया है सीएम बदलने का क्या मैसेज गया है लोगों में?
वो ये हमारा मुद्दा ही है सर, बेरोजगारी का। ओबीसी के वोट लेने के लिए किया है, वो फेल है इनका मामला, फेल है वो मामला इनका। इससे बढ़िया तो अगर ये वो नौकरियां पूरी कर देते ना तो हम ही इनको वोटों से आगे ले जाते जितवाने के लिए। सर लो सुनो सर, आप बयान सुन लो। 13,000 की भर्तियों का रिजल्ट तो भी निकला 29 से पहले पहले, अब हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो कई उसमें फोर्सेस काम करती हैं। हमारे प्रोग्राम में ये है कि हम लगभग 6, 14, 20 और 28 भर्तियों का रिजल्ट ये आने वाले 8 दिन में निकलने वाला। ये 2023 का बयान है, 2023 अब 24 का, तो फिर अभी तो अच्छा अभी तो आचार संहिता लग गई। हाँ सर, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का बयान है। जो वादा किया है कि 31 दिसंबर 2023 60,000 भर्ती करेंगे, संकल्प है, विकल्प नहीं है, संकल्प को पूरा करें। तो ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का बयान है, जिन्होंने कहा था संकल्प हमारा, विकल्प नहीं, हम 60,000 नौकरियां पूरी कर देंगे 31 दिसंबर 2023 तक, लेकिन आज तक ये कुछ भी नौकरी नहीं दे पाए। ये युवा यहाँ खड़े हैं, जो योग्य युवा थे, पीएचडी होल्डर्स थे, उनको ग्रुप डी में लगा दिया। रोजगार जो आप बात कर रहे हैं ना 1,34,000 का डाटा, वो झूठ है, क्योंकि 2019 में जब चुनाव का टाइम आया था उससे पहले ग्रुप डी के 18,000 भर्ती पूरी की थी इन्होंने, उसके बाद ग्रुप सी की उल्टा काम किया। तो आप लोग फिर जब इस तरह की वैकेंसियाँ लेट होती तो कुछ दूसरा काम शुरू कर देते हो या फिर इंतजार में रहते हो? जी इंतजार करना पड़ता है, ये बोलते हैं अभी 2 महीने बाद करते हैं। कहाँ से हो? यही सार से ही लोकल में पीछे ही कर रहे हैं, उस टाइम में प्राइवेट जॉब करते हैं जो कि मजबूरी है। अभी मेरा भी टीजीटी में सिलेक्शन हो गया है, रिटर्न क्वालिफाई है, इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली एग्ज़ाम के लिए। क्या नाम है आपका? अभिषेक। 1 महीने का अभी टाइम नहीं दिया प्रिपरेशन के लिए, आज नोटिफिकेशन निकाली, दिख रहा है इलेक्शन आ रहे हैं, 1 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम, और आज रिजल्ट को देख लो आप, 1.5 साल हो गया, कोई टाइम वो नहीं है। एसएससी एग्ज़ाम निकालती है, पूरा डाटा आता है, कैलेंडर आता है, इस दिन फॉर्म निकलेंगे, इतना टाइम एग्ज़ाम के लिए मिलेगा, इस दिन रिजल्ट आएगा, ये देखते हैं कब इलेक्शन आ रहे हैं, निकाल दो भर्तियाँ, जो होएगा देखी जाएगी, सारा डाटा अटका हुआ है। जो ये नेता घोषणा करते हैं, अब तो आप लोग देखते हो कि मैनिफेस्टो आता है, आप लोग पढ़ते हो? पढ़ते हो है? तो उस पे आप लोगों को यकीन होता है कि ये क्या है? सर विधानसभा में मुख्यमंत्री साहब झूठे हो जाते हैं तो मैनिफेस्टो पे कैसे यकीन कर सकते हैं हम? धर्म के नाम पे वोट लेने की चाहते हैं, लेकिन अब की बार युवा जागरूक हो गया, मंदिर, राम मंदिर बना दिया, मंदिर में विकास हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगी। मंदिर तो हरियाणा में हर गांव में 3 मंदिर हैं एवरेज। राम नाम तो हम सुबह उठते ही लेते हैं, पहले से ही हमें पता है राम नाम का, तो अब क्या सिखाएंगे ये हमें? हमें तो रोजगार की जरूरत है, वो ये देते नहीं। पता नहीं इतने साल से 2014 से वैकेंसी खाली है, इनका विकास कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, उन पोस्ट को खाली है, वहाँ पे कौन काम कर रहा है? कौशल रोजगार के थ्रू एक आदमी की सैलरी में ये 5 आदमी लेके आते हैं, और उनको भी पता नहीं, उनका काम धंधा भी चौपट हो जाएगा अगर ये पक्की नौकरी पूरी करेंगे तो, फिर वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। अगर सरकार ने रोजगार नहीं दिया तो अब की बार ये सरकार भी बेरोजगार हो जाएगी। इनका तो हर शेड्यूल अगली मिनट में वहाँ जाना। हमने अपनी पढ़ाई के बारे में सोचा, ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर करेंगे, नौकरी मिलेगी, लेकिन हमारा सारा शेड्यूल चौपट कर दिया इन्होंने। सर एक और बात, अगर इलेक्शन टाइम टू टाइम, इनका तो सब कुछ फिक्स होता है, 5 साल में इलेक्शन हो गए, इस डेट पे 25 मई को अभी जैसे इलेक्शन हो जाएगा, वोट पड़ जाएगी, 4 जून को रिजल्ट आए। सर एक बात बता दो, अगर चलो इनके 25 मई को वोटिंग होगी, अगले साल 4 जून को रिजल्ट दे, फिर इनको कैसा पता लगेगा? एक साल बिठा के देखा, हमें कैसा लग रहा है कि हम 5 साल से, ये सीधे से बात है, जब इनकी मनसा पेपर लेने की थी तो ये रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे? पेपर लेने को तो इन्होंने रात को कोर्ट खुलवा दिया, स्पेशल हम बच्चों का पेपर ले लिया सबसे पहले, अब ये रिजल्ट करने में इतनी देरी कर रहे हैं। सर सिर्फ ये अपने ना बोलते हैं, लोकसभा का मुद्दा है मोदी के नाम पे वोट मिल जाएगी, विधानसभा का मुद्दा है रोजगार, तो रोजगार का मुद्दा तो रोजगार के दम पे 2019 में युवाओं की वजह से सरकार आई थी। अगर युवाओं की भर्ती नहीं करते ना सर, ये जो ने निकाल रखे 56-57 के TGT के जो भी अदर, तो ना गारंटी वाली बात सर, ये सरकार रिपीट नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ना लोकसभा में विधानसभा में, सर दोनों में, लोकसभा में विधानसभा में भी, दोनों में ऐसी मुद्दा। 22 तारीख तक 22 तारीख तक की छह सरकार को डायरेक्ट चेतावनी दे जाते चुके हैं हम पहले भी 2-3 बारी। 22 तारीख तक की अगर हमारी भर्तियों का कुछ भी नहीं आया, आप कह रहे हो ग्रीजरो फैसला माननीय हाईकोर्ट में है, चलो आप एक फिक्स ये डेट दे दो कि, क्योंकि हमें संभावित है कि अब अगले है ना 25 इलेक्शन के तुरंत बाद देखने को मिलेगा, 25 को इलेक्शन है, 26, 27, 28 को कभी भी रिजर्व फैसला आ जाएगा। हालांकि मुझे इन सरकारों पे कोई भरोसा नहीं, 0.5% भी
हमने इनको 22 तक की चेतावनी दी थी, वैसे तो ये 22 तक मान ले तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो देखो 25 में ये नुकसान भुगतेंगे, और अगर उसके बाद भी अगर इन्होंने हमें हफ्ता 10 15 20 दिन से लंबा समय सीखा दो तो विधानसभा में तो फिर ये देख लो कि भी कभी 75 की बातें करती हैं कुछ कुछ भी, 7.5 सीटें भी हमारे असल में तो फिर हम अपना ही खुद जो मतलब 20 लाख यूथ है जो फार्म भरता है सर इतना तो हरियाणा प्रदेश का, वो CET पास करता है वो अपनी पार्टी बना लेगा, अगर जरूरत है हमें पता लग गया कि ये राजनीति वाले हमें गधा बना रहे तो हम इनका रास्ता बंद कर देंगे विधानसभा का, क्यों जाने देंगे, हम खुद जाएंगे विधानसभा का, जब मेरे को ये पता है कि भाई मेरे जितने भी यूथ साथी हैं उनके लिए हम विधानसभा में बैठ के कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हम क्यों इनके आगे जाएंगे, इनकी क्यों हम धर्म की और जातियों की वो सुनेंगे, हम अपना खुद रास्ता चुन लेंगे विधानसभा जाने आपके, इनकी चलती ही नहीं है सर, गुजरात लोबी की चलती है यहाँ पे अमित शाह की, और ऊपर इनका जो शहनशाह है वो इतना ड्रामेबाज है तो इनका क्या औकात है, इनकी ऊपर से उड़ाते हैं वही करते हैं, ये चपड़ासी तो ठग से लगा देते हैं, ये सी ग्रुप की नौकरी इनके बस की बात नहीं है, हर साल एक एग्जाम होता है HTET हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अभी से पहले इस साल कब होना उसकी डेट आ गई, क्यों 1000 रुपये का फार्म है, और पिछले 10 साल में पूछो टीचर की वैकेंसी कुछ नहीं, 1000 रुपये। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सरकारी स्कूलों के ऐसे हालात हैं जिसमें टीचर्स नहीं हैं, अब टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चों को शिक्षा देगा कौन, हमारा समाज शिक्षित कैसे होगा। हाँ ग्रुप देखो सर, ग्रुप CD सब पे कह रहे हैं केस कोर्ट है 5 नंबर का, लेकिन डी पे कोई स्टे है ही नहीं, डी पे तो कोई अड़चन आई नहीं, फर्द से लिस्ट लगा दी, समझ गया ये सारे सब कुछ सर, इलेक्शन होंगे इनका रिजल्ट टाइम पे निकाल देंगे, इनके मंत्री बना देंगे टाइम पे, हमारा क्यों नहीं दे रही, हमारी भर्ती टाइम पे पूरी क्यों नहीं कराते। क्या नाम है सर? मेरा नाम तो मोनू है। क्या आप किसी से 56-57 की? एक एग्जाम्पल और देता हूँ, ग्रुप C फायर ऑपरेटर की भर्ती, कोई सिंगल केस नहीं है, 2 एग्जाम होने थे, प्री हो गया, मेंस हो गया, पोस्ट है 2276, कैंडिडेट है 1500, कैंडिडेट भी कम है, अगर सबको ज्वाइनिंग दिला दे उनका भी अटकार्क है, अभी 4 दिन उन्होंने यात्रा चलाई पंचकुला से करनाल अर्धनगन हो गए, अगर आपने देखा हो तो फायर ऑपरेटर वाले, फिर CM ने ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। आप कहाँ से हो? मैं सर एक्स आर्मी मैन हूँ और बात करना चाहूँ अग्निवीर के ऊपर, ठीक है, अभी सिंपल सी बात है कि लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा में बात चल रही सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आता अग्निवीर, अभी इतना आसान है क्या सर 4 साल नौकरी करके घर, जितने बड़ी बात है, मोदी जी राम मंदिर बना दिया, बढ़िया बात है, बना दिया अच्छी बात है, अग्निवीर पर बोलो 4 साल के बाद वो क्या करेगा। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम निर्मल सिंह है, मैं एक्स आर्मी मैन हूँ, 4 साल के बाद मोदी जी इतना ही बता दे वो करेगा क्या, बात लोकसभा की है सिर्फ, विधानसभा में तो गई क्योंकि सरकार ने 5 साल में जितनी भर्तियां दी वो आगे है, एक भी डी ग्रुप को लगा के छोड़ देते हैं, डी ग्रुप वाले सी वाले बंदे हैं वो जो अभी ज्वाइन किया है जिन्होंने, वो सी ग्रुप के हैं वो छोड़ देते हैं फिर डी ग्रुप खाली, और सर एक हर बार यही वो रेसो चलता है। तो आपके हिसाब से अग्निवीर योजना ठीक नहीं है? बिल्कुल सर माइनस में है, एक भी अगर एक्स सर्विस मैन ये बता दे या कुछ जो अग्निवीर भर्ती हो रहा है वो बता दे वो क्या करेगा फिर, मैन पावर बहुत ज्यादा है, पेंशन का लोड है, इस वजह से बदलाव किया गया है। पेंशन का लोड इतना ही है, आर्मी की डायरेक्ट तो वो पेंशन बंद कर नहीं, इसके ये फार्मूला लगा दिया पेंशन बंद कर दो, सांसद की पेंशन क्यों नहीं बंद करते, जो एक्स सांसद के लिए उनकी बंद क्यों नहीं करते सर, ये हमारी क्यों पेंशन ज्यादा दिखाई दे रही है, क्यों इनकी खुद की क्यों नहीं दिखाई दे रही पेंशन? 4 साल में क्या आप कह रहे हो कि फौजी अच्छा फौजी नहीं तैयार होगा क्या? 4 साल में कैसे हो जाएगा? 4 साल में जो उसकी गतिविधियां ना, एक ऑपरेशन में जाने के बाद ही वो समझ में नहीं आएगा उसको, उसको पहले ही पता है उसकी मेंटेबिलिटी ये कहती मेरे को घर जाना 4 साल के बाद। उसमें ये तो ये भी तो हो सकता है ना, ये कॉम्पिटिशन की भावना है कि हमको 4 में से 1 भर्ती होगा तो मैं हो जाऊंगा वो, सरकार जो तर्क देती है वो सही बात है, लेकिन वो सीखेगा क्या, एक्सपीरियंस कोई पैदा कर सकता है क्या? ये पढ़ाई होती है एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस तो वो जब जॉब करेगा तब पता होगा उसको। आप क्या कह रहे थे? जो आप कह रहे थे भाई 4 साल बाद में, 4 साल में वो प्लाटून का जो बंदा है जो एक साथ रहे बंदे, उस बंदे को भी नहीं पहचान पाएगा 4 साल के अंदर उस, बिल्कुल मैं भी आर्मी से हूँ, वो 4 साल में बंदे को यदि फील्ड स्टेशन में चलेगा तो पी स्टेशन में तो चलो मिल जाएगा, फील्ड स्टेशन में 4 साल में बंदा भी नहीं मिलेगा, 4 साल की तो कह रहे हैं, 4 साल का मतलब 6 महीने तो वो ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद बची 3.5 साल फिर वो छुट्टी भी आएगा घर, उसको कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई अग्निवीर का कोई मान्य नहीं है। ये तो जो सारे जर्नल बैठ के जो टीवी पे बताते थे कि इसका सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड का और कागज में लिखना आसान है,
ग्राउंड लेवल क्या बोलता है आप तो आप फौज में रहे, आपके जो अफसर है फौज से रिटायर्ड, उन्होंने तो इसके लिए बहुत बेनिफिट बताए? नहीं बताया, जो पीछे जो पहले पुराने हो चुके हैं या उन्होंने बताया होगा या कोई राजनीतिक पार्टी से विश्लेषण होगा वो बताया होगा, बाकी जो ऑन ग्राउंड जो सर्विस कर रहा है उसी को ही पता है, उस ऑफिसर को ही पता है या उस जवान को पता है, मैं उससे कैसे काम लूंगा? एमएम नरवाने की ऑटोबायोग्राफी पब्लिश क्यों नहीं हुई? पढ़ा होगा आपने उसमें उन्होंने क्या लिखा था, क्यों नहीं हुई? वो तो जनरल रह चुके आर्मी के, इससे बड़ी बात क्या होती है? उनसे बड़ा तो आर्मी ऑफिसर कोई नहीं था, वही पब्लिश नहीं हुई। चार साल में आर्मी जवान, उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर नहीं आई, अरुणाचल नहीं आई, उसे वहाँ के एरिया का ही नहीं पता, और चार साल में यहाँ अग्निवीर मुद्दा है क्या हरियाणा में? अग्निवीर लोकसभा के इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा है। सर चार बजे उठ के बच्चे रेस मारते थे हर गांव में, सड़कों पे दिख जाते थे, अब नहीं दिखेंगे। एक चार रोजगार दिखता था उन्हें, देश सेवा भी रोजगार भी दोनों चीज, अब कुछ नहीं। हरियाणा का मुद्दा एक तो है जॉब, क्लियर दिखाई दे रहा है, अग्निवीर वो फौज में भर्ती होता था, फिर हरियाणा में जो रेशो है ना लेडीज और जेंट्स का रेशो कम है, तो उसकी शादी का इशू आ जाता है, चार साल में वो रिटायर आ जाता है, शादी का इशू तो खड़ा ही रह गया। सच में क्या ये क्लियर नहीं हो रही? कहाँ से होगी ये? अग्निवीर को तो कोई देख के जो रिश्ते के लिए जाते हैं ना, अग्निवीर का रिश्ता नहीं होगा, जो जो परमानेंट हो जाएगा ना उसका रिश्ता होगा, चार साल के बाद वो भी हाँ पक्का। सर तो हम मंगलसूत्र की रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे मंगलसूत्र की, जब मंगलसूत्र पर आने वाला है कोई ना होगा तो रक्षा क्यों करो जाओगे इसकी? दहेज प्रथा को कम करने का तरीका, ये दहेज प्रथा को कम करने का तरीका है, रोजगार नहीं मिलेगा, शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो दहेज नहीं मिलेगा। सर मैं आर्मी में जो बच्चे जाते हैं जीडी क्लर्क में, मैं उनको कोचिंग देती हूँ, तो हर बार उनका रेशो बहुत ज़्यादा होता था जब तक ये अग्निवीर नहीं थी। अब आप देखोगे इस साल जो बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है वो नाम मात्र के हैं, यानी कि पोस्टें भी खाली रहेंगी। हाँ हमने खुद देखा है, जो हम इतने बच्चों को भेजते थे, हमारी हम ये कहें कि 7,500-8,000 बच्चे लगे हैं हमसे, लेकिन अब की बार हम ये कहें कि बच्चे कहते करेंगे क्या जी, चार साल बाद क्या करेंगे, चार साल बाद कुछ करने के लिए है ही नहीं हमारे पास करने के लिए। नौकरी लगने के बाद भी ना घर वाले खुश नहीं है अग्निवीर में, क्या होगा मेरे बच्चे का, अगर वहाँ मर गया तो यहाँ शहीद का दर्जा भी नहीं मिलने वाला। नहीं तो क्या सही में ये बात सही है, आप मजाक कर रहे हो शादी में? सच्चाई है सर, बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूँ मैं, कोई मतलब हरियाणा में शादी बहुत बड़ा मुद्दा है। एक लड़के की शादी हुई है मेरे गाँव में, वो बॉक्सिंग बेस पे लगा है सर आर्मी में, तो उसके जो शादी वाले रिश्ते वाले आए थे उन्होंने उसके वो कंप्लीट डाटा देखा है उसका, ये पक्के है पक्का है या ऐसे ही अग्निवीर लगा हुआ है। और अब मैं बता देता हूँ सर आपको करंट का अग्निवीर का डाटा, मेरे गांव में हर सुबह 4 बजे 15 साल के बच्चे आते थे ग्राउंड में रेस लगाने के लिए, और अब वही बच्चे अग्निवीर होने के बाद नशे की लत में लगे हुए हैं सर, आप देख सकते हो ये, क्योंकि वो उनको पता लग गया अब आगे जाने का फायदा नहीं, वहाँ देश सेवा भी हो जाती थी और रोजगार भी मिल जाता था। और रही बात हमारी सर, हम बता आप बोल रहे थे कि आपको 5 साल से कोई काम क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बता देता हूँ सर, 2019 में इन्होंने वैकेंसी निकाली थी ग्राम सेवक की, और 2021 में ये पेपर लेते हैं और उसको बोलते हैं ये आउट हो गया, पेपर लीक हो गया था इसकी वजह से हम कैंसिल कर रहे हैं, फिर ये बोलते हैं हम दोबारा 1 महीने बाद आपका एग्जाम लेंगे, तो हम बताओ सर पढ़ें या ना पढ़ें, हमें पढ़ना ये ऑप्शन ये है, चलो एक आखिरी ट्राई कर लेते हैं, तो बोलते हैं दोबारा 1 महीने बाद आपका एग्जाम लेंगे, तो हम उसके लिए तैयारी में लग जाते हैं, फिर ये बोलते हैं नहीं हम एक पॉलिसी लेके आए हैं, एक उम्मीद नजर आती है, हर 2 महीने बाद ये ऐसे ही करते हैं, तो इन्होंने बोला कि हम एक पॉलिसी लेके आए सीटी पॉलिसी, हम इसको उसमें ऐड कर देते हैं इन वैकेंसियों को, और वो सीटी पॉलिसी ये देखो सर आप फॉर्म उसके 1.5 साल चले हैं सर, 1.5 साल लगातार फॉर्म चले हैं सीटी पॉलिसी के, तो आप लोग बता रहे कि रोजगार मुद्दा है अग्निवीर, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है और हरियाणा के लिए तो है ही, और हरियाणा आपको पता होता है हरियाणा छोटा सा स्टेट है, हरियाणा के लिए जैसे इसी हरियाणा में पिछली बार 10 की 10 सीट बीजेपी जीती, इस बार आपको क्या लग रहा है? अब की बार 8-8-2 का रेशो है जहां तक मेरा नहीं बताया, लोकसभा की 10 सीट जीती, उसके बाद विधानसभा में इनकी कितनी सीट आई थी? बहुमत भी ना आता 40 सीट आई थी, और उस टाइम पे तो उन्होंने चलो ग्रुप डी की कांस्टेबल की ऐसा आएगी, इस बार तो उन्होंने 5 साल से कोई भर्ती नहीं की, तब इनका यो हाल था, तो अब देख लो अब क्या होगा। क्या आप क्या लग रहा है क्या कह रहे हो, 10 में से 8-2 का रेशो आएगा? 8 किसको? 8 कांग्रेस लेके जाएगी, 8 सीट, 8 सीट ये जो रेस्टो चल रहा है सर, युवा ने अब की बार सोच रखा है सर, नो जॉब नो वोट,
अगर जॉब होगी तो हम वोट देंगे, नहीं हम वोट नहीं देंगे सर। और बिल्कुल 22 मई तक हमारी भर्ती कोर्ट से बाहर करके हमें ज्वाइनिंग दे दी तो वोट मिलेगी, अगर नहीं मिली तो 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा बैठे हैं, उनके साथ घर वाले भी 5-5 सदस्य एवरेज है घर में, तो 1 करोड़ वोट सरकार के खिलाफ जाएंगे ये। तो मैं खुद बता देता हूँ सर, मेरे परिवार में 200-250 वोट है सर। मैं सिंगल बंदा यूथ आज के टाइम पे वो बात नहीं हरियाणा में कि भाई जो बड़े आदमी ने बोल दिया, पर यूथ के साथ ही, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए सर। यूथ अगर फाइनेंशियल कमजोर है तो वो क्या करेंगे, वोट देंगे। तो पहले तो होता था सर, चलो दादा लाइए भाई दे दो वोट उसने, पर अब वो काम नहीं है सर। यूथ जहाँ बोलते हैं परिवार भी वहीं वोट दे, क्योंकि वो बच्चों के साथ प्रताड़ित होते हैं, वो देखते हैं बच्चे कैसे मेहनत कर रहे हैं और सरकार कैसे क्या कर रही है। तो 250 वोट है सर, सिंगल वोट नहीं देने दूंगा मेरे परिवार का, और जो मेरे फ्रेंड सर्कल के हैं वो वोट भी नहीं जाने दूंगा। तो मैं अकेला, मैं बीजेपी को वोट नहीं देने दूंगा सर, मैं अकेला वो कह रहा हूँ सर। मेरे गांव से 300 वोट काटूंगा सर अगर भर्ती नहीं की तो। सर मेरे खुद 279 वोट है, खुद मेरे परिवार में जितने भी 279, सिंगल वोट नहीं देंगे, ना तो बीजेपी को देंगे ना देंगे। और वो तो मैं अपने परिवार की बता रही, रिश्तेदार भी, मामा भी, मौसी भी, फूफा भी, सब है। तो देख, अगर भर्ती पूरी नहीं करते तो हम ना तो वोट देते हैं ना देने देते, सीधी बात है। पिछली बार आप लोग कहाँ थे? बिल्कुल सर, हम पिछली बार हमने बीजेपी को वोट सपोर्ट किया था सर, पिछली बार हमने बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें पता था सर बीजेपी हमें रोजगार देगी, क्योंकि इन्होंने मुद्दा बनाया था चुनाव में, और अभी भी ऐसे ही करिए सर। पूरे से आप देखोगे ना, पूरे टर्म में इन्होंने 4 साल में कोई भर्ती नहीं की, और ये लास्ट टाइम जब जैसे हो गया ना, अब इलेक्शन आने वाला है, तो इन्होंने बच्चों को भड़का दिया कि हम आपका एग्जाम ले रहे हैं, डी ग्रुप का लॉलीपॉप दे दिया या कुछ ऐसे करके यहाँ तक ले आए, और बच्चों को डिवाइड कर रखा है, एक तरफ क्वालिफाई, एक तरफ कैंसिल, एक तरफ पेपर होने वाले, मतलब हर एक बच्चे को डिवाइड कर रखा है इन्होंने। सर जो ज्वाइनिंग मिलती है ना बच्चों को सर, वो केवल प्रोविजनल बेसिस पे मिली हुई है। प्रोविजनल बेसिस का मतलब मैं आपको समझा दूं कि अगर कल ना सरकार इनको बच्चों को हटा दे तो वो उस पर केस भी नहीं कर सकते। इनसे क्लियर एफिडेविट ले लिया गया है हर बच्चे से, वो चाहे टेक्निकल पोस्ट का हो या फिर चाहे ग्रुप डी का हो। पॉलिसी लेके आए, लिपिकों को भर्ती कर रहे हैं, ग्रुप डी को भर्ती कर रहे हैं, वो भी लिपिकों को ही पढ़ाते थे। तो ये हम हरियाणा में आए यहाँ पे हिसार में, तो आप लोग सब लोग अलग अलग जिले से हो? सब अलग। आप जींद से हो? रोहतक से। आप? रोहतक से। आप? झज्जर से। आप? हाँ अच्छा, हाँ आप लोग की टीम है क्या कोई? कितने लोग हैं ये लगा लो सर, नियर अबाउट हमें टोटल मिलाए 50,000 बच्चे हैं सर। अभी ग्रुप है पूरा सर हमारा, 50,000 बच्चे हैं सर जो अभी सरकार के खिलाफ हैं, और अभी तो हमारी और तैयार करे सर हम टीम को। 50,000 की टीम है? हाँ 50,000 की टीम है सर हमारी। ऐसे बता देते टेलीग्राम पे ऐसे ग्रुप्स हैं, ग्रुप देख लो जी हमारे, हमारे ग्रुप है सर के, ऐसे प्रेस ऐसे ही व्हाट्सएप, 50,000 के तो ग्रुप है सर हमारे पास। हाँ सर ऐसे नहीं है, हम ऐसे कि यहाँ पे जो खड़े हैं सारे सर पदाधिकारी खड़े हैं सर। आ जाते हैं एक दिन में सर 6.5-6 लाख व्यू आ जाते हैं जी हमारे जो प्रोटेस्ट करें। हाँ जी हमारी वीडियो पे 6.5 लाख व्यू आ जाते हैं सर, दांगी जी वीडियो डालते हैं 6.5 लाख व्यू आते हैं। सिर्फ यादा ना भिवानी में जो हमने 56-57 TGT वालों ने जो प्रोटेस्ट किया उस पे 6.5 लाख बच्चों का व्यू। चैनल बड़ा नहीं है हमारे, चैनल छोटा है लेकिन व्यू 6.5 लाख। सब एक दूसरे को सब यस सर, 20 लाख बेरोजगार युवा है हरियाणा में, 20 लाख युवा बेरोजगार, छोटी नहीं होती। वो तो परेशान है, जिन्होंने 2021 में 12वीं की थी उनको ये ही नहीं पता अगली विज्ञापन। सब लोग एक साथ, सारे एक साथ है सर। अभी हम अध्यापक भर्ती है सर, 25,000 तो बच्चे हम अध्यापक भर्ती के हैं, 7500 तो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, जिसमें से 25,000 तो अध्यापक है हम जो वेट कर रहे हैं, 25,000 की तो एक टीम अध्यापकों की है। रोजगार को है, रोजगार नहीं दे रही तो लोकसभा में रिजल्ट देखने को मिलेंगे, विधानसभा में तो कन्फर्म रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रोजगार चाहिए हर हालत में, भर्तियां घुमा फिरा के कोर्ट में ले जाके खड़ी कर देते हैं, कौन निकालेगा 56-57 में। आप में इसमें से आप लोग ऐसे भी हो जो पिछली बार बीजेपी के साथ थे? सर जी मैं आपको बताता हूँ, देखो सर हमने सरकार इसलिए तो लेके आए थे क्योंकि इन्होंने फेर तरीके से भर्ती की थी, रोजगार दिया था इसलिए रिपीट हुई थी। बोला सर बिना खर्ची बिना पर्ची, और अब की बार कोई नहीं भर्ती, जीरो भर्ती, खत्म कर दिया इन्हें सिस्टम देश का। सरकार हमने नहीं बनाई थी, एक JJB आड़ा आया था अनुबलैब की बार जमुना पार, उसको सीट दे दी, युवा ने सोच के बाद जवान लड़का आया है कुछ ना कुछ युवा के साथ करेगा, युवा के लिए वो चाबी लेके आ गया, वो ताला भी तोड़ दिया BJP ने और उसकी पार्टी भी तोड़ दी, और हमने भी उसका मतलब साथ छोड़ दिया, हमने भी वो जीरो कर दिया। पहले थे क्या? हाँ जी सर। क्या JJP के साथ है? नहीं सर, हम BJP के साथ भी थे, JJP के साथ भी। अच्छा सर, ये देखो 7 दिन पहले की 5। हाँ मैं समझ गया, ये जो हिसार लोकसभा है इसमें 9 विधानसभाएं हैं, इसमें 5 विधानसभा BJP के पास है और 4 विधानसभा JJP के पास है। पिछली बार JJP और BJP अलग लड़े, बाद में गठबंधन कर लिया, उसके बाद जो हुआ वो
सब जानते ही हैं, बहुत सारा रायता फैला है, बहुत सारा समेटा जा रहा है। तो ये हम युवाओं से बात करने आए, ये हिसार में है, अलग अलग जगहों के लोग मिले, अलग अलग स्पेशल ललन टॉप की टीम के लिए सर हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर। आप लोगों ने इतना मेल करवाया मुझे, इतना पूरे रास्ते में रोहतक से हिसार तक आते आते। तो हम है ना 3 दिन से बिजी चल रहे हैं, आपके पास कम मेल गई है। अगर 3 दिन से बिजी ना होते हो और थोड़ा हम ये होते तो आपके पास है ना किसी ने 5 लाख मेल भी हो सकती थी सर। 1 घंटे के अंदर 400-500 मेल आए होंगे मेरे पास। ज्वाइनिंग करवाई है, ALM की ज्वाइनिंग हुई थी, वीडियो देखना, ज्वाइनिंग शायद पहली ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग में लठ मारे गए थे, देखना। यहाँ कोई भी भर्ती है ना बिना पिटे पूरी नहीं करती हरियाणा सरकार, और हम तो पिटने को भी तैयार हैं ना सर। हर एक भर्ती में ना ये पता नहीं मोहरत करवाते, कोर्ट में ले जा खड़े करवाते, कोर्ट में जाके मोहरत। देखिए एक बात बहुत ईमानदारी से कहूंगा, हर अलग अलग राज्यों में जाता हूँ, राज्य की तमाम सरकारें और खासकर हरियाणा सरकार पे तो ज्यादा विशेष गुस्सा दिख रहा है युवाओं का, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी बीते दिनों बढ़ी ऐसा सरकारी आंकड़ों में भी दिखा। खैर हरियाणा की सरकार इस बात को नहीं मानती है, लेकिन सवाल ये है कि जो सरकारें, जो ये बच्ची अभी कह रही थी कितनी गंभीर बात थी, सरकारें और नेता कोई भी पार्टी हो ये बातें करते हैं कि आसमान में धान बो देंगे और एक एक भर्तियां ढंग से करा नहीं पाते हैं। ये जो कह रही थी कि भाई इनका रिजल्ट तुरंत आता है, आज 25 को चुनाव होगा, 4 को रिजल्ट आ जाएगा, इनको 1 साल के लिए लटका के बैठा के दिखाओ, वैसे इनकी जो बेबसी है, आप गुस्सा कहिए, निराशा कहिए या झुंझलाहट कहिए, जो भी कहिए, वो कैमरे के सामने है और युवा आप समझ रहे हैं कि इनकी नाराज़गी है। तो सरकार जो भी हो, किसी भी पार्टी का, आज इनकी है कल किसी और की होगी, लेकिन अब आप युवाओं से डील नहीं करेंगे, टैकल नहीं करेंगे तो इसमें नुकसान आपका ही है। हमारा काम दिखाना है, हमारा काम बताना है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन कनौजिया हैं, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।